Hello guys, welcome back to my channel. So guys, आज का जो हमारा रहेगा, वो रहेगा एडवर्ब तो एडवर्ब हो, क्या होता है जो हमारी वर्ब के मॉडिफाई करता है जो हमारे वर्ब के बारे में हमें और जब जैसे एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण ठीक है जो हमारी क्रिया की विशेषता को बताता है उसे हम एडवर्ब्स कहते हैं आप देखिए एडवर्ब होता है बहुत सारे आगे एडवर्ब के आगे टाइप्स भी आती हैं एडवर्ब ऑफ मैनर आता है एडवर्ब एडवर्ब ऑफ ऑफ फ्रीक्वेंसी आता आता है आता है टाइम कि कौन सा काम किस मैनर में हो रहा है कौन सा काम किस टाइम पे हो रहा है किस फ्रिक्वेंसी से हो रहा है ये सब चीजें आपकी एडवर्ब के अंदर आती है तो आज हम इसी के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि को कि किस तरह से इसको फिल किया जाता है ठीक है तो नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस रहेगा वो रहेगा टी डे स्लीफ्टरनून ही टैरी जो है अब वो क्या नहीं करती है वो क्या करती है आफ्टरनून में स्लीप्स अब आप इसको फिल करोगे आगे वाले सेंटेंस को देखिये ही कंसीडर्स वो उसे कंसिडर करता है कि वो क्या है दिन में आफ्टरनून में सोना एक बेस्टिज ऑफ टाइम है अभी इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी द नेवर मतलब टेरी जो है वो कभी भी दिन में नहीं सोता है क्यों तो नेवर इज यूर एडवर्व ऑफ फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी के बारे में बता रहा है कभी भी नहीं सोता है ठीक है तो ये आपको बता रहा है यहाँ पे नेवर जो है दैट इज द एडवर्व सो और सेकेंड सेंटेंस इज We dash visit our grandparents in winters. They go go on pilgrimages. Then वो कह रहा है we dash हम डैश यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे विजिट और पेरेंट्स इन विंटर्स हम विंटर्स में जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स में के पास दे गो ऑन देन वो तब यात्रा पे कहीं जाते हैं ठीक है तो अब वो कह रहा है अब आपको इसी में से जो चार है ये सब एडवर्ब है इसी में से आ, आपको एक चूज करके जो राइट right आंसर है वो फिल करना है तो इसका राइट right आंसर जो रहेगा

बारवी लुक्स प्रीटी इज द राइट आंसर तो प्रीटी इज द एडवर्ब ठीक है शी सिंग्स द सॉन्ग आप देखिए शी सिंग्स द सॉन्ग गुडली भी नहीं होता गुडर भी नहीं होता मोस्ट गुड भी नहीं होता शी सिंग्स द सॉन्ग इसका आंसर आएगा गुड वो अच्छा गाना गाती है तो गुड इज आल्सो द एडवर्ब देन दिस रायता टेस्ट क्या आएगा मोर ऑफुल आएगा आफुलर नहीं होता आफुल नहीं हो या आफुल आएगा यहाँ पे आएगा दिस रायता बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका जो है वो है ठीक है वी प्लेड डैश टू नाइट हम क्या खेले थे आज बैडर खेले थे बैडली खेले थे बैडेस्ट या बैड वी प्लेड बैट टू नाइट बैडली टू नाइट सॉरी तो बैडली इज योर एड ठीक है

इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज डी सॉरी आपका सी रहेगा तो शी वॉज क्यूक टू वो बहुत जल्दी थी डिसीजन लेने में तो शी क्यूकली टू शी अडोप्ट क्यूकली टू एनी चेंज ठीक है तो सी आपका इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट शी सेंग द सॉन्ग डैश इट वॉज डैश परफॉर्म एंड वॉज एन ऑलमोस्ट डैश परफॉर्मेंस परफेक्टली परफॉर्मेंस नहीं देफेक्ट परफॉर्मेंस होगी फर्स्ट और सेकेंड में शी सेंगे सॉन्ग ब्यूटिफुल यहाँ पे आएगा सी वाला आई थिंक इज द सी वाला जो रहेगा दैट इज यूर राइट आंसर तो शी सेंग द सॉन्ग ब्यूटिफुली बहुत अच्छे तरीके से उसने गाया था इट वॉज एग्जीक्यूटिवली परफॉर्म्ड एंड वॉज एन ऑलमोस्ट परफेक्ट परफॉर्मेंस सी वन इज यूर राइट आंसर द नेक्स्ट वी मेक और डिलीवर ऑन डिलीवर हम अपने डिलीवर डिलीवरीज वी मेक और डिलीवरीज ऑन टाइम ये आपका कई बार आप डिलीवरी वाला वो भी आप करते हैं तो आप इतना से जानते होंगे वी आर नाउन फॉर आर टाइमली डिलीवर आएगा या क्या आएगा यहाँ पे आपका रहेगा वी मेक आर डिलीवरीज ऑन टाइम वी आर नाउन फॉर आर टाइमली डिलीवर डिलीवरी के लिए हमें जानना चाहता है ठीक है देन नेक्स्ट ही यूजली कट्स माई हेयर अब क्या आएगा ही यूजली यूजली कट्स माई हेयर वो यूजअली क्या करती है मेरे हेयर को कट करती है अब क्यूकली आएगा मोर क्यूकली राइट आंसर इज योर आपका क्यूकली ठीक है ही यूजुअली कट्स माई हेयर क्यूकली नेक्स्ट सेलीर डैश तो यहाँ पे आपका फास्टर ही आएगा तो फास्टर इज द राइट आंसर ये आपका एडवर्ब है एड भी आपका मोर केयरफुली ठीक है देन ही सिस्टर क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है कंपेरेटिव डिग्री में सेकेंड में आपका मोर आता है देन स्केरसली हैीच द स्टेशन डैश द ड्रेन स्टीम्ड ऑफ बहुत जल्दी में गड़बड़ रीच वो पहुंचा था वेन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ या वियर या वेयर या देन इसका राइट आंसर रहेगा वेन वेन द ट्रेन स्टीमड ऑफ जब ट्रेन जा चुकी थी ठीक है अब नेक्स्ट इज यूर द मैन हु इज डैश हेजिटेटिंग विच ऑफ टू थिंग्स ही विल डू फिस्ट विल डू नाइ नीदर तो द मैन हु इज कॉन्स्टेंटली 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 आएगा इंस्टेंटली जो टलीटेड होता रहता है ठीक है तो एट प्रेजेंट आई एम बिजी आई विल वॉच द टीवी लेटर लेटर नहीं आएगा लेलर नहीं लेलर तो कोई वर्ड ही नहीं है यूर्ड्स नहीं आएगा तो इसका राइट आंसर रहेगा लेटर मैं बाद में टीवी देख लूंगी तो दे आपका एड वो वो टाइम को मेंशन करता है यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट आई एम नॉट हंग्री आई हैव डैश इटन लंच वो कहते हैं, मैं भूखी नहीं आई लंच पहले से ही लंच जो है वो कर चुकी हूँ ठीक है ऑलरेडी भी आपका वो है ही एंड ऑनेस्ट दैट इज डैश लाइक हिम वो कहते हैं वो फ्रेंडली है और ऑनेस्ट है दैट्स बाई इसी कारण से

लगता है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से कौन कौन से वर्ड्स एडवर्ब के अंदर आते हैं तो एडवर्ब की वीडियो हम एक अलग से बनाएंगे जहां पे एडवर्ब प्रॉपर से अंडरस्टैंड करेंगे एडवर्ब क्या होता है कौन से वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर्स के अंदर आते हैं फ्रिक्वेंसी के अंदर आते हैं और जो भी इसके टाइप है उनके अंदर आते हैं ठीक है तो अभी हम नेक्स्ट इसको देखते हैं नेक्स्ट जो है दिस इज फॉर योर होमवर्क ये आपके होमवर्क के लिए है एडवर्ब की तो चूज द करेक्ट एडवर्ब टू कम्प्लीट द सेंटेंसिस इन द ब्लैक तो यू हैव टू चूज द करेक्ट वन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ताकि आप अच्छे से चूज कर सके तो दिस इज फॉर योर होमवर्क तो so, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था वर्फ का तो ये आपकी वर्फ की exercises है, जिसका वो आपको correct form, आप करके डालना है। आई कि आप सबने फिल किया होगा आई विल पुट दिस वॉच हेयर फॉर फाइव मिनट एज आई एम गोइंग टू स्विम प्लीज यहाँ पे क्या आएगा प्लीज कीप एंड आई ऑन तुम्हें आप क्या रखिए इस पे मतलब अपने रखिए, so कि वो खोए ना ठीक है फर्स्ट कांट उन कैट्स के साथ नहीं जाती है माइस जो चूहिया वगैरह होती है इन द सेम वे कैट कांट विद डॉग्स कैट जो है वो डॉग्स के साथ नहीं जाते ठीक है तो गेट अलोंग विद आएगा प्लेयर डू आई गो ऑन रनिंग क्या Um, मतलब मैं रनिंग पे मुझे जाना चाहिए क्या मैं रनिंग पे गया था आई एम वेरी टाइड मैं बहुत थका हुआ हूँ याद ही रखो लाइज जब तक मैं ना कहूंगी ये बहुत ज्यादा हो गया द राइट आंसर ठीक है आई डोंट नो रियली लाइक मिस्टर राम ही मे वी वेरी रिच बट इट डजेंट गिव हिम द राइट टू लुक डाउन ऑन पोअर पीपल तो यहाँ आएगा लुक डाउन ऑन

बहुत सारे यूरोपियन पीपल जो हैं वो सेटल डाउन हुए हैं न्यू वर्ल्ड में ताकि वो न्यू लाइफ शुरू कर सके अपनी न्यू जगह पे आई पुट साइड हंड्रेड डॉलर टीवी सेट वो कहता है मुझे क्या करना है आप हंड्रेड डॉलर एक मंथ में मतलब एक साइड पे रख देने चाहिए सेव कर लेने चाहिए अगर मैं क्या चाहता हूँ एक टीवी सेट खरीदना चाहता हूँ तो ये जो आपके एट सेंटेंसेस थे ऑफ वर्ब तो आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से इसको फिल करना है और ये वर्ब की आपकी एक्सरसाइज और इसकी जो प्रीवियस वाली वीडियो मैंने आपको एड के लिए होमवर्क दी है तो ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल